फोन थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे। दिस इज सनी भैया आर गाइड। बहुत खुश रहते हैं यार भैया, है ना, जब से घुसे हैं एकदम ऐसे खुश हैं। खुश रहना चाहिए। भगा के ले जाओ क्या ना, सोच ना गाड़ी के थोड़ा। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमुन बोका मुंटारे। सच एन अमेजिंग वाइब। टेम्परेचर यहाँ पे 2 degrees है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। कितना पीसफुल है यार यहाँ पे, कोई ऐसा लग रहा है कितने कम लोग हैं, और ये ऐसे ये पहाड़ के बीच में हम लोग हैं। सो काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मैं इस चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ऐसे वाइब करना बहुत पसंद है, जैसे शांति हो। अभी तक शांति थी, यहाँ पे अभी बजने लगा, पर ऑसम फिर भी मज़ा आ रहा है। पीसफुल, एक्सट्रीमली पीसफुल। दिल टूटने के बाद आप ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं। और भाई दिल ही तो टूटा है मेरे इस ट्रिप में। टूटे नॉटी बॉय, दिल 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 बॉय, दिल दिल दिल। यहाँ पर खड़े होके हमने बहुत सारी मस्त मस्त फोटोग्राफ्स ली, तो अब हम नीचे। बाय द वे आई नोटिस्ड कि मेरी इस फोटो में और धूम वाले बच्चे की फोटोज में डिफरेंस है। मैन लुक एट दिस, इट्स क्वाइट डेंजरस टाइप यार। तो शॉर्टकट लेने के लिए हम कहीं उधर से उस सीढ़ी वाले पॉइंट से ऐसे इधर से भागते हुए, और काफ़ी थक गया हूँ मैं, प्यास भी लग रही है। लेट्स हैव सम वाटर। ये चश्मा पहन के एक तो सब फॉग फॉग हो जा रहा है यार, आदत नहीं है ना। स्ट्रेंज थिंग है, और वो ये है कि यहाँ पे आसपास हर जगह पेड़ पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा डेंस पेड़ हैं। मैंने ज़्यादा तेज़ घुमा दिया, समझ नहीं आएगा। और अचानक से ना इन सारे पेड़ों के बीच में यहाँ ऊपर इस इतनी रोशनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। बाकी सब जगह डिम डिम सा लग रहा था। इंटरेस्टिंग है ना। छोड़ गया।
दिस इज समथिंग बेस्ट कैन हैपन. बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है. अभी अभी हम लोग यहाँ ऊपर एक कैफे में गए थे, हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, अब हम वहाँ से जा रहे हैं. सो चल ठीक है ठीक है, पूल खेलने जा रहे हैं ना? नहीं भाई. क्यों? वो माल रोड पे जाना है, बारिश हो रही है तो लेट हो सकता है. चल Soon after. I don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Name a smear, or take it up a gear, and end your career, and make you feel fear, or make you disappear, cause I am right here, and not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game. So हम स्नूकर खेल के आ चुके हैं, अब हम माल रोड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे गेस्ट थे. और बारिश हो रही थी इसलिए पहुँचो हाथ में, पर अभी बारिश नॉर्मल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मज़ा है हमें स्नूकर खेलने का. तो यार देखते हैं, अभी होटल जाना है या फिर माल रोड पे टाइम स्पेंड करना है. पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बादल वादल एकदम गरज रहे थे. सो हमने पूरा दिन अच्छे से घूम लिया है, अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं. और थोड़ी देर पहले हम सब लोग एक साथ रूम में बैठे थे, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, और काफ़ी चिल कर रहे थे ऐसे. सो यार अभी हम लोग डिनर पर जा रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत थक गए हम लोग. सो और उसके बाद शायद वॉक करने जाएं, तो मेरे नॉर्मल कैजुअल शूज़ और बूट्स पहनने का मतलब नहीं, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है इसीलिए आई एम वेयरिंग वन मोर जैकेट. सो आई एम ऑल सेट फॉर द डिनर. एंड रूम में तीन लोग शेयर कर रहे हैं. शुभम नीचे कौन सा होगा ब्रो? मेरा ऊपर हूँ, दैट सेट ऑन दैट बेड. बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का भाई, मैं तो कह रहा हूँ अभी थूक दे वहाँ पे. ये च्युइंगम चिपका दे बेड पे, तो फिर वो नहीं सोएगा, कहीं वो व्लॉग ना देख ले. जब तक लेके आ जाए सामान, कट मस्त प्लान है. ये रात का व्यू है कॉरिडोर से, और नीचे ना ऐसे लेक भी बह रही है जो अभी दिख नहीं रही. सो या दिस इज प्रीटी नाइस एंड पीसफुल. चलें शुभम, बात हो गया भाई, शूज पहन आ जा यार. नॉट अलाउड, ऐसे किसी की बेल नहीं बजाते या बजा के भाग जाते हैं. मैं खड़ा रहा, गट्स वाला हूँ थोड़ा खड़ा रहा. सो दिस इज द डिनर, वेरी बेसिक वेज. लेट्स स्टार्ट. सो रात के 11:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, और हम लोग वॉक करने के लिए निकले हैं और काफ़ी ऐसे दूर आ गए हैं. पीछे वहाँ अंधेरे में कहीं से आए हैं हम लोग, अभी थोड़ी लाइट मिली तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. और इधर पूरा पहाड़ पहाड़ है. बन वगैरह देना इसके बोल रहा हूं अंकल, तीन कर देना ये भी, ठीक है? तीनों का अलग अलग, तीन बन एक चाय. और अभी हम लोग रात के 11 बजे के आसपास डिनर करने के बाद यहाँ पर बन मस्का खाने आए हैं. बारिश स्टार्ट हो गई है रात को और बहुत तेज़ हवा भी चलने लगी है. मील में वेज ऑप्शन था इसलिए हमने नॉन वेज अलग से मंगाया था, जो कि बहुत लेट आया और हम बीच में वॉक करने चले गए. शुभम टेस्ट कर रहा है उसे अब. पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. शुभम पे छोड़ दिया हमने यार, जल्दी अच्छा टेस्ट कर. फर्स्ट बाइट, ओ ये टेस्टी है पक्का. भाई तेरे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तू बेवकूफ बना रहा मुझे. अबे सही में भाई अच्छा है. चल तो फिर ये चिकन खा के हम डीप टॉक्स करेंगे. सो हेयर आई विल एंड दिस व्लॉग. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और आपको जो भी समझ आ रहा है वो कर देना.
सो यार अब हम लोग थोड़ा चिल कर रहे हैं और सो जाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एपिसोड 2.